नमस्कार। चलो आइए, आज आपका अपॉइंटमेंट हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं हम सातों चक्रों की, अपने शरीर की कैसे हीलिंग करना चाहिए। रोज आपको ये करना है। तो कैसे करना है, पहले इस तरीके से आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या फिर ऐसे पालथी मार के भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठना है। जैसे मैं अभी बैठी हूँ, अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आह्वान करते हैं रेखी को। मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, मैं रेखी को धन्यवाद देती हूँ और मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे 3 बार आह्वान करना है। यानी कि क्या होता है, पहली बार हम जब आह्वान करते हैं, मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, यानी कि मैं उस माइंड को, माइंड में जो थॉट्स है उसको, वो मेरे खुद के जो है उसको मैं धन्यवाद दे रही हूँ। फिर दूसरा है कि मैं रेकी को धन्यवाद दे रही हूँ, यानी कि सोर्स को धन्यवाद दे रही हूँ। वो जो ऊर्जा हम पर आ रही है वो मेरे विचारों के साथ एकजुट हो रही है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद दे रही हूँ। और तीसरी बार फिर से मैं करती हूँ कि मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ। तो यानी मेरा शरीर जो मेरा मेरे थॉट के अनुसार चल रहा है उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। यानी माइंड, सोर्स और बॉडी, ये जब 3 एक साथ आ जाते हैं तब हमारा जो भी हमारा हम देखना चाहते हैं, हमें चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी की शुद्धि करते हैं, इसलिए उस रेकी सोर्स को आह्वान करते हैं। तो ऐसे करें, मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, मैं रेकी को धन्यवाद देती हूँ, मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ। और जस्ट ऐसे ऊर्जा, यानी हाथ घिसे एक दूसरों के ऊपर और ऊर्जा महसूस करें। और जस्ट अभी आप देख लीजिए, बार बार देखिए अगर नहीं समझा तो, ठीक है। और फिर धीरे से अपने आज्ञा चक्र पर ऐसे रखें। तो अब उसमें चश्मा आप निकाल सकते हैं, अगर आपको चश्मा है तो चश्मा निकाल लेना है। तो 3 मिनट की जो मैंने बेल की म्यूजिक दी है, वो 3 मिनट तक ऐसे ही हाथ आपको रखना है। आप इसका यूट्यूब पर आपको लिंक दी जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा 3 मिनट तक ये रखना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पूरा स्पर्श ऐसे कर सकते हैं, पूरा यानी आँख, गाल पूरा ऐसे आएगा आपका। और फिर दूसरी बेल बजती है 3 मिनट के बाद, तो फिर दूसरा चक्र है ये H, इसको हम H1 पॉइंट देते हैं। फिर ये H2 यानी सहस्त्रार चक्र पर ऐसे, और हाथ भी ऐसे एकदम से दोनों हाथ नहीं उठाना है आपको, तो एक एक हाथ उठाना है। जैसे मैंने ये किया तो फिर 1 और फिर 2, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो कंटिन्यूअसली हमारे हाथ से बह रही है, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम। तो शरीर में एक बार अगर वो चालू हो गई ऊर्जा, तो फिर उसको कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा सहस्त्रार चक्र, और इसमें भी ऐसे हाथ रखकर हम बस 3 मिनट तक राह देखना है। और तब तक हमारे मन में थॉट्स, हम अफर्मेशन बोल सकते हैं कि मैं शांत हूँ, शीतल हूँ, समाधान है, खुश हूँ, जो भी आपको अफर्मेशन आपके मन में आते हैं तो वो आप मन ही मन में बोलते जाइए। फिर जैसे 3 मिनट की बेल बजती है, तो फिर से ये आज्ञा चक्र का पीछे का भाग, जहाँ पर हम ऐसे पूनी बांधते हैं, ये आज्ञा चक्र का सामने का भाग, ये आज्ञा चक्र का पीछे का भाग, ये हो गया तीसरा पॉइंट। फिर ये चौथा पॉइंट, ये इस तरीके से ऐसे लाना है। जैसे जैसे 3 मिनट की बेल बजे कि हमें पोजीशन चेंज करते रहना है। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे हम हेड पॉइंट्स, है 5 हेड पॉइंट्स है हमारे। तो ये चौथा हेड पॉइंट विशुद्ध चक्र का फ्रंट पार्ट, और फिर 3 मिनट की बेल बजी तो फिर ये विशुद्ध चक्र का पीछे का पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर 3 मिनट, और हर जगह पे देते समय हम लोग अफर्मेशन जरूर बोलते जाएंगे, जो भी है। अब जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो विशुद्ध चक्र का मैंने जैसे बताया कि क्या फायदे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा बोलना अच्छा हो जाता है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि सब लोग मेरे बोलने से आकर्षित हो रहे हैं, मेरा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर। इस टाइप के जो भी आपको चाहिए वो अफर्मेशन मन ही मन में बोलते रहे। फिर आते हैं फ्रंट पार्ट पर। फिर फ्रंट पोजिशन ये है हार्ट चक्र, यानी अनाहत चक्र, हरा चक्र पर हम इस हाथ रखेंगे।
और फिर यहाँ ऊर्जा महसूस करेंगे, गर्माहट या ठंडाहट जो भी लगता है पहले इसमें आपको। अगर नहीं भी लगता है तो आप ऐसा मत समझिए कि मुझ में ऊर्जा आई है या नहीं आई है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो भी है ऊर्जा आती ही है 100%, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए। अब इसमें भी आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, करुणा, दया, माया, ये सब ये अच्छी भावनाएं किसी के लिए मेरे मन में बिल्कुल प्रस्तुत हो रही है। और फिर ये है इसके नीचे में मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का फ्रंट साइड हम करते हैं ये सब, ठीक है। ये मणिपुर चक्र यहाँ पर 3 मिनट रखें हाथ और ऊर्जा महसूस करें, जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है बाद में भी, ठीक है। फिर मणिपुर चक्र, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, ये हमारी नाभि के नीचे 4 उंगली नीचे आती है। स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ पर भी 3 मिनट रखें। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, तो ये जांघा पर हम लग सकते हैं, ये है मूलाधार चक्र, ठीक है। ये मूलाधार चक्र है और इसमें भी 3 मिनट रखेंगे। ये जो हम भौतिकता में, जो भी पैसों के मामले में, व्यवहार के मामले में जो हम रह रहे हैं इस दुनिया में, तो ये हमारे मूलाधार चक्र से चलता है। तो ये हो गया मूलाधार चक्र। अभी फ्रंट साइड हो गए, अभी हम बैक साइड में भी देंगे। तो बैक साइड में ये यहाँ पे, ये हार्ट चक्र का बैक साइड यहाँ पे अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमारे हाथ को तकलीफ होती है और हाथ दर्द देने लगते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि हार्ट चक्र पर सामने ही रखेंगे और डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर यानी हम सोचेंगे कि हमारे पीठ में यानी जैसे जहाँ पर बिल्कुल जैसे यहाँ पर खंजर खुपसते हैं तो यहाँ से निकलता है, तो वो पॉइंट पे एनर्जी जा रही है और ये है हमारा हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र में भी यहाँ पर भी हम हाथ नहीं रख सकते, थोड़ा सा तकलीफदायक है, हाथ दुखेंगे, है ना। तो इसलिए फिर हम यहीं पर हाथ रखेंगे, लेकिन हम डिक्लेयर करेंगे कि हम पीछे में हाथ रख रहे हैं यानी बैक साइड ऑफ मणिपुर चक्र, ठीक है। तो और फिर उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, बैक पॉइंट ऑफ स्वाधिष्ठान चक्र। लेकिन यहाँ पर तो हम यहाँ ये कमर की रीढ़ की आखिरी रीढ़ की हड्डी है, वहां पर तो हम आसानी से हाथ रख सकते हैं, तो वहां पर हमें हाथ रखना है और बस अफर्मेशन देते रहना है। 3-3 मिनट हर एक चक्र पर हमें, हर एक पॉइंट पर हमें हाथ रखना है। और फिर लास्ट चक्र है मूलाधार चक्र, बैक। तो जैसे हम इस पर ऐसे हाथ रख कर बैठ ही जाएंगे, बिल्कुल पीछे का भाग है हमारा, तो इस पर हम 3 मिनट रखेंगे। और इस तरीके से हमें रोज ये 13 पॉइंट पर रेखी देनी है, रोज 13 पॉइंट पर ऐसे कम से कम 21 दिन, और ये रेगुलर करना है, इसमें गैप नहीं देना है आपको। साथ में आप म्यूजिक लगाए और नहीं समझे तो इसे बार बार आप देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।